विवाद में अब पाकिस्तान भी कूद पड़ा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता काजी खलीलुल्ला ने दिया एक विवादित बयान, कहा गाय कटती है तभी तो एक्सपोर्ट में नंबर दो पर है भारत। काजी ने भारत पर निशाना साधा और कहा गौ मांस खाने पर एक मुसलमान की हत्या करना समझ से परे है और ये मुस्लिम जमात के लिए चिंता की बात भी है। खलीलुल्लाह ने अपने बयान में आगे कहा कि भारत एक सेक्युलर देश होने का दावा करता है तो उसे अल्पसंख्यकों को मूल अधिकार मुहैया भी कराने चाहिए। पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली के भारत में शो रद्द होने पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में धमकियां मिल रही हैं। इस पर पछतावा ही जताया जा सकता है। इसके अलावा पाक विदेश मंत्रालय ने भारत के साथ वार्ता पर कहा, यह एक बड़ा मामला है, हमने हमेशा कहा है कि अगर बातचीत हुई तो कश्मीर समेत सभी मुद्दों पर बात होनी चाहिए। पाक विदेश मंत्रालय का कहना था कि यूएन को डॉसियर देने का मकसद भारत के पाकिस्तान में हस्तक्षेप और तहरीक तालिबान पाकिस्तान की मदद के बारे में सूचित करना था। आइए देखिए पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता काजी खलीलुल्लाह ने क्या कहा। इस किस्म की चीजें हम उस मुल्क से जो कि डेमोक्रेटिक भी है और ये भी कहता है कि जी हम सेक्युलर हैं, उससे हम ये तवक्को नहीं रखते और हम उम्मीद करते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट स्टेप्स लेगी जो कि इस किस्म के वाकयात को जो है प्रिवेंट करेगी।